नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज की एक बड़ी खबर वसई पूर्व के वगरालपाड़ा से, जहां आज दोपहर में अवैध बांधकाम तोड़ने गए वसई विरार मनपा प्रभाग समिति जी वालिव के तोड़क दस्ते पर चाल माफिया ने पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में दो मनपा कर्मी जख्मी हो गए। आपको बता दें कि आज दोपहर 4 बजे के आसपास वगरालपाड़ा में अवैध बनाई जा रही चाली को तोड़ने मनपा तोड़क दस्ता कार्रवाई कर रहा था, तभी एक महिला समेत कुछ लोग तोड़क कार्रवाई का विरोध करने लगे और मनपा के अपने काम में अड़चने डालने लगे। तभी उन अवैध चाल माफिया में से कुछ लोग ने मनपा के बुलडोजर एवं पिकअप वैन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी के चलते बुलडोजर के साथ पिकअप के कांच टूटकर चकनाचूर हो गए। आपको बता दें फरवरी 2018 में भी वगरालपाड़ा में इसी तरह की बड़ी घटना घटित हो चुकी है, जिसके बाद मनपा द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध बांधकाम तोड़े गए थे, लेकिन थोड़े ही समय के अंतराल में भूमाफियाओं ने फिर से बड़े पैमाने पर अवैध चाली निर्माण शुरू कर दिया और इन 4 सालों में हजारों अवैध रूम का निर्माण करवा दिया। आज हुई पत्थरबाजी के बाद मनपा अधिकारी ने वालिव पुलिस स्टेशन में घटना का मामला दर्ज करवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा